हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। क्या उनके दिल में है कि वो आपसे बात करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। तो चलिए मैं यहाँ देखती हूँ कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स और उनकी मन की बातें, उनके दिल में है जो कुछ भी बातें, क्या वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो रिलैक्स हो जाएं और इंटेंशन सही रखें, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आके दिव्य शक्ति गाइड करें। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके दिल में जो फीलिंग्स है क्या वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ, एंजल्स गाइड करें। सक्सेस, तीन कार्ड पलट गया और ये दिखा रहा है तीन कार्ड निकला है। जस्ट प्लीज गाइड करें। सोरो, सक्सेस, फाइटिंग, ठीक है। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात है। इनोसेंस, बहुत प्यार तो करते हैं आपसे, नो डाउट। इनोसेंस की एनर्जी आई है, लेकिन गुस्सा भी है, दुखी और उदास भी है। यानी कि कहीं ना कहीं इनके मन में तो कुछ चल रहा है। ओहो, इस पल में वो जीना चाहते हैं बट इस पल में वो जी नहीं पा रहे हैं, क्या बात है। मुझे लग रहा है रिवर्थ चाहते हैं इस रिश्ते में, और रिश्ते की एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है, बट फिर भी आपके लिए फीलिंग्स ट्रू है, बट इनके लाइफ में सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है व्यूअर्स रिवर्थ की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट की है, गाइडेंस की है। हो सकता है आपने या आपके पर्सन ने गाइडेंस भी ली हो इस रिश्ते को लेकर। और मैं क्लियर करती हूँ, एंजल्स गाइड करें। मतलब इस पल में ये जी नहीं पा रहे हैं, जिस पल में ये जीना चाहते हैं उस पल में ये जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस प्यार बहुत ही है इनके अंदर। सौरव की एनर्जी भी है, ठीक है। और किससे ये फाइट कर रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं, सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं। आगे मैं देखती हूँ, सक्सेस तो चाहते हैं, बैलेंस जो चाहते हैं, लेकिन प्यार भी है, जीना भी चाहते हैं, पर क्यों ये फाइट कर रहे हैं, क्यों ये सौरव की एनर्जी में हैं, ये देखती हूँ। जस्ट प्लीज गाइड करें। पोस्टमेंट सौरव, जस्ट प्लीज गाइड करें। क्यों सौरव की एनर्जी में है व्यूवर्स के मेरे पार्टनर, व्यूवर्स मेरे, व्यूवर्स के मेरे पार्टनर। क्या बात है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। कोई तो इनके लाइफ में है। देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपने ईगो को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पसंद भी करते हैं, मिस भी कर रहे हैं और सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा। डेविल की एनर्जी, फिर मैं कार्ड क्लियर करती हूँ, ठीक है। ओहो, किसी ने बैक स्टेप किया है। मैं कार्ड को अभी क्लियर पहले करती हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे व्हाट ऑन द डेक से है, सेलिब्रेशन। ये आपसे कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन
उत्साही जो उत्साह होता है उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो इनके अंदर का रूह का जो प्रेम होता है, जो बोलते हैं परम सुख, इन्हें परम सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पर्सन इस पल को जीना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है व्यूअर जी, सेलिब्रेशन तो चाहते हैं लेकिन ये इनके काम नहीं बन पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स, मैं आपकी बात कर रही हूँ, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आजकल अपने आप करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हो सकता है कि आपके फ्रेंड भी हों या आपके कॉलिग भी हों, जो भी हों, कहीं ना कहीं या आप बात कर रहे हो, कुछ फ़ोटो लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आपको ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हो, और इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है अगर हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी ये दुखी और उदास है। देखा जाए तो हर हाल में गुस्सा खुद से है, उदासी खुद से है, जो कि ना आपसे मिल रही है ना ही वो थर्ड पार्टी से मिल रही है। यानी कि इनके अंदर की वो क्या कहते हैं, परम सुख यानी संतुष्टि इन्हें नहीं मिल रही है, जिससे ये दुखी और उदास हैं। ये कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ गलतियों से भी खुद से नाराज हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ 6 नंबर भी आया है, 9 नंबर भी आया है, ठीक है। देखिए ये हर हाल में कंप्लीशन चाह रहे हैं बट ऐसा हो नहीं रहा, और इस वजह से अंदर से ये क्रोधित हैं। संतुष्टि की भावना यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन सक्सेस चाहिए क्योंकि ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे साइन भी बता देती हूँ, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। तो यहाँ पे सारे साइन हैं, ठीक है। लेकिन ये अब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए ये आप पर भी नाराज है, थर्ड पार्टी से भी नाराज है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। और उसके बावजूद इनके अंदर अग्रेसिव और गुस्सा अट्रैक्शन मिला जुला कर सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आपसे भी गुस्सा नाराजगी है और अट्रैक्शन भी है, ठीक है। लेकिन ये अपने ईगो को, अपने क्रोध को, अपने नेचर को ये कैसे बदलें, कोशिश कर रहे हैं नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको प्यार भी करते हैं और इस पल को जो जीना चाहते हैं तो आपके साथ जीना चाहते हैं। उनका फोकस आप पर है, वो आपको बहुत स्पाइक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ भी इंजॉय कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में भी दो चॉइस हो सकते हैं, यहाँ मैरिड भी हो सकते हो या आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। जो भी हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आजकल आप बहुत बिजी रह रहे हो दोस्तों के साथ, या फिर फन मस्ती कर रहे हो, या फिर आप मैरिड हो, तो हो सकता है आप अपने लाइफ में व्यस्त हो, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यवहार, आपकी हो सकता है कुछ आपने चेंजेस किया है अपने ड्रेसिंग सेंस में, लुक में, पर्सनालिटी में, या फिर फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ तो आपने चेंजेस किया है, या फिर पहले से ही आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो और कुछ ज़्यादा ही आप अब उन्हें दिख रहे हो। क्यों दिख रहे हो ये उन्हें जानने की ज़रूरत है। पैशनेट एनर्जी ज़रूर है बट ये आपको छोड़ नहीं रहे, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जी बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई दो चॉइस तो नहीं है, दोस्तों के साथ आप इंजॉय करो, फन करो, मस्ती करो, मजा करो, या फिर व्यूअर्स आप मैरिड हो सकते हो, लेकिन मिस कर रहे हैं मूड, पूरी तरह एक्शन चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में भी कन्फ्यूज हैं और आपके नेचर स्वभाव को भी देखकर ये कन्फ्यूज हैं। किसी ने इनका दिल तोड़ा जिस तरह आपका इन्होंने दिल तोड़ा, अब किसी भी हाल में ये बैलेंस चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब कि इन्हें ग्रोथ चाहिए इस रिश्ते में। देखिए क्योंकि ग्रोथ क्या, यहाँ कार्ड भी आया रिवर्थ की एनर्जी, तो ये रिवर्थ चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ये बहुत क्रोधित भी हैं, बहुत गुस्से में है, ये बहुत गुस्से में इस वक्त हैं, मतलब ये बीच मझधार में हैं।
हो सकता है इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो, इस वक्त हो सकता है कि आप उन्हें जो चाह रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फाइटिंग सोरो द डेवल, ठीक है, द एम्परर। लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है आप चैट वगैरह करते हो लेकिन अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहे हो, नहीं भाव नहीं दे रहे हो आप इनको, ठीक है। हाँ, एक कोशिश करते हो कि वो जवाब देंगे तो मैं दूंगी या दूंगा, कुछ व्यूअर्स आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा कि आप अपने लाइफ में बहुत मस्त हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन खुद पर अपने गुस्से पे ये कैसे काबू करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेंटल स्ट्रेस भी काफी है, मतलब अंदर ये क्रोध से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त इनके दिमाग में इस रिश्ते में है सक्सेस और बैलेंस, ठीक है। बस ये इनके दिल और दिमाग में चल रहा इस वक्त, किसी तरह इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, क्योंकि इस पल में आपके पार्टनर बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और कन्फ्यूज जब ये इंसान है तो देखिए, हो सकता है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं विवर जी, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जहां ये कंफ्यूजन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, तो ये जब जगल करते हैं, जब खुद के लाइफ में ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये थर्ड पार्टी से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, और इस वजह से ना आप साथ दे रहे हो, ना थर्ड पार्टी साथ दे रही है, और इनके अंदर से क्रोध और गुस्सा, अगर इन्होंने कोई पास्ट में डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को आज रो रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, और ऑफर करने की भी सोच रहे हैं। एहसास बहुत ज्यादा आपके लिए, एक पैशनेट एनर्जी के साथ है, लेकिन उतना ही गुस्सा भी है, क्योंकि थोड़ा दर्द थर्ड पार्टी का है, थोड़ा दर्द आपका है, और ये चीज कंफ्यूज करिए इन्हें, पर देखिए दौड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं वो आपके पास, एंजाइटी हो रही है इन्हें, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, कंफ्यूज है, लेकिन ये मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं और ये क्या खो रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हो सकता है अपने लाइफ के कुछ सिचुएशन से ये बिल्कुल खुश नहीं है, टेंशन तो दिख रहा है, गुस्सा भी दिख रहा है, और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप उन्हें मौका इसलिए नहीं दे रहे हो कि ये आपकी तरफ आते हैं तो इनके मनसा को आप जानते हो कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स यहां आप खुद को रोक रहे हो फिर से वो गलती ना दोहराई जाए, जबकि ऐसा नहीं है, प्यार इमोशंस दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन आप बार बार उस एनर्जी में, उस कंफ्यूजन में, उस चीज में आप नहीं जाना चाहते हो, जहां सिर्फ आपको कहने का मतलब क्या मैं बोलूं, बार बार उस एनर्जी में आप जाना नहीं चाहते हो, और आपको हमेशा लगता है ये कंफ्यूज करे या करेगा या करेगी, तो कुछ वर्ष आप जानबूझकर भी अपने आप को रोक रहे हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि इनके मिजाज का, इनके मूड का आपको पूरी तरह अंदाजा है, कब ये मूड ऑफ होगा, कब फाइट करेंगे, कब ये ऑन ऑफ करेंगे, कब ब्लॉक कर देंगे, और ये आप अच्छे से जानते हो, लेकिन इनके मन के क्रोध का क्या, ठीक है, लेकिन क्रोधित इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए, इनको हर हाल में सक्सेस चाहिए, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं एक चीज है, लेकिन यहां मिक्स एनर्जी है, जितना इनके अंदर गुस्सा है, जितना आपके प्रति प्यार है, उतना ही इनके अंदर वो पैशनेट एनर्जी भी है, लेकिन ये बंदा जो भी है, कुछ इन्होंने ऐसे गलतियां पास्ट में की हैं जिस वजह से आज भी ये कंफ्यूज्ड हैं, जी नहीं पा रहे हैं,
मतलब देखा जाए इनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है, बट इनके अंदर वो पीस, वो खुशी नहीं मिले जो इस पल में ये जीना चाहते हैं। ठीक है, निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, कहा ना मिक्स एनर्जी है, तो ये हर हाल में सक्सेस चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं कि आपसे किसी तरह बात और मुलाकात हो जाए। तो बहुत सारे व्यूवर्स सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी है, आपको प्यार करते हैं, खो नहीं सकते हैं, इनका जो दिल और दिमाग में चल रहा है ये आपको खो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इस वक्त जो एनर्जी है अगर आप मिलोगे तो यहाँ पे गुस्सा भी बरसाएंगे, प्यार भी बरसाएंगे और आपको मनाएंगे भी, वो वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन की एनर्जी मिक्स है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी एंजल मैसेज से कि आपको क्या करना चाहिए इस एनर्जी में, गुस्सा, फाइटिंग, झगड़े, प्यार, अट्रैक्शन, एकदम बिल्कुल मिक्स एनर्जी है, और थर्ड पार्टी ने या थर्ड पार्टी से इनकी कुछ बहस हुई, बातचीत हुई, कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, इनका दिल तोड़ा गया है, तो मैं यह देखना चाहती हूँ कि इस एनर्जी में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आगे दिव्य शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्णा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आपके लिए कुछ स्नो आया, एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, सोच समझ कर बात कीजिएगा। ठीक है आप लोग, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, डोंट स्टॉप। ठीक है, नो नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। देखिए बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपके तरफ आ रहा है, अब मैं बताती हूँ क्या आ रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर से बात करना, बहस करना, ये सब आपके लिए सही नहीं है। अगर वो सक्सेस चाह रहे हैं तो डिसीजन उन्हें ही लेना होगा, आप अपने तरफ से कोई एक्शन ना लें, नहीं तो आपसे फाइटिंग हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि इनके मन में अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर कहा ना मिक्स एनर्जी है, प्यार, इमोशंस, फाइटिंग, झगड़े, अट्रैक्शन, चाह, सब कुछ है, लेकिन ये मिक्स एनर्जी में आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, इसलिए एंजल्स कहना चाहते हैं नो नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। कहने का इस वक्त सही वक्त नहीं है, खुद से कॉल मैसेज ना करें तो अच्छा होगा, बट आपकी लाइफ है, आप देख सकते हो, डोंट स्टॉप। लेकिन आपको हार भी नहीं मानना है, रुकना भी नहीं है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, बहुत जल्द वो खुद ही आपकी तरफ बात करेंगे, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत जल्द ये आपके तरफ ये खुद बढ़ेंगे और ये आप खुद वो आपसे माफी मांगेंगे। ठीक है, बहुत जल्द खुद से एक्शन ना लें, एंजल्स ये कहना चाहते हैं। यू आर रेडी, रेडी हो जाइए, आपको ये कहना चाहते हैं, बहुत जल्द बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है। ठीक है, कॉम्युनिकेट क्लियर, कार्ड क्लियर हो गया। तो जो भी है इस वक्त एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने तरफ से कोई एक्शन पहले ना लें, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त सही टाइम नहीं। अगर आप कुछ करते हो, बात होती है, तो बेवजह फाइटिंग, झगड़े, ब्लॉकेज या फिर डिस्टेंस या ब्रेकअप ये हो सकता है, लेकिन अगर आप चुप रहोगे, खामोश रहोगे, तो इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द कम्युनिकेट क्लियर, यू आर रेडी, बिग हैप्पी चेंजेस। आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहा है, यू आर रेडी, वो खुद ही करेंगे, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, वो खुद ही एक्शन लेंगे और बात करेंगे। इस बीच बात होने से क्या होगा, फाइटिंग, झगड़े, बहस, ब्लॉक कर देना, ब्रेकअप हो जाना, क्योंकि ये मिक्स एनर्जी है, अग्रेसिव भी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस पल में ये आपको पा रहे हैं, लेकिन इस पल में कहने का मतलब उनको अपने आप को हील करने की वजह और भी ढूंढनी चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, ईगो को बदलना चाहिए, गुस्सा को बदलना चाहिए, तब सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन करेंट सिचुएशन में नो नॉट द राइट टाइम, और हार नहीं मानिए, रुकना भी नहीं है आपको। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन करते रहो, और बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन होने वाला है, कम्युनिकेट क्लियर, यू आर रेडी, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो खुश हो जाइए, लेकिन खुद को कंट्रोल कीजिए, है ना। तो चलिए गाइडेंस को फॉलो कीजिए, एंजल्स जो कहा उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तब आप लाइफ में सक्सेस भी आएगा आपके। ठीक है,
इस वक्त रिलेशनशिप में सक्सेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ठीक है। इसको एंजल्स चाहते हैं कि किसी तरह ये पर्सन जो भी है खुद को बैलेंस करें, सच्चाई को देखें, आपके साथ न्याय करें, ठीक है। तो चलिए ये है अभी की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।